श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय प्रारंभ। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की जय। आवाज खुली कर बोल। मेरे भक्त अनन्य जो निश्चिंत मम दास, सो आश्रित मेरे सदा, मेरी जित को आस, मुझे स्मरण करते सदा, जो मेरे कहलाए, मुझे मुझ ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जाए, उनकी नैया को सदा करूं मित्र में तार, जिनका है संसार में मेरा ही आधार, योग छोर उनको सदा देता हूं मैं मीत, उनकी ही संसार में बेजर होती जी जी। अतवार में अध्याय प्रारंभ थे। मुक्ति योगे अर्जुनोपाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करता है, प्रभु जी तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक हैं, एक तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं और कोई तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा रूप अनिर्देश है जो मन वाणी से पड़े हैं, कोई उसकी उपासना करते हैं, इन सब में चतुर उपासक कौन है, हे प्रभु जी ये कहो। अर्जुन की बिना मानता श्री कृष्ण जी बोले, श्री भगवानों वाच, हे अर्जुन जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, मन को एकाग्र करके परम श्रद्धा से जो इस रूप के उपासक हैं, मेरे मत में वह श्रेष्ठ भक्त है और चातुर है। अब दूसरों का वृत्तांत सुन। प्रथम रूप अक्षर अविनाशी है, जिनकी महिमा मन वाणी से नहीं आती, जिव्या कह नहीं सकती, इसे अनिदेश कहते हैं, जो नेत्रों से देखा ना जाए, जिसको अव्यक्त करते हैं, सर्वव्यापी हैं मन से, जिनका प्रताप चितवाया नहीं जाता, इस कारण से अचिंतन है, इसमें कोई विकार नहीं, कोई घटता नहीं बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं, इससे अचल है, फिर किसी का हिलाया हिरे नहीं, इससे ध्रुव कहलाता है। ये आठ प्रताप मेरे अव्यक्त स्वरूप के हैं और कोई इसकी उपासना करता है, इसके लक्षण सुन। जिन साधनों को अव्यक्त कर रूप पा सकते हैं, तीन साधन करने योग्य है, मुख तो वह सब इंद्रियों का संयम करे, इंद्रिया जीतनी, सब प्राणियों के साथ ममता और सबके साथ प्रीति रखना और प्रार्थना करना कि हे अविनाशी पुरुष सब जीव सुखी रहें, इन साधनों को अव्यक्त स्वरूप का उपासक अव्यक्त जो मैं ईश्वर हूँ सो मुझ में पावे। अब और सुन हे अर्जुन, अब गति स्वरूप के उपासक जो हैं, जिनको अति कष्ट अर्थात कलेश है और ममता दृष्टि भी कठिन है, सो कोई पूजा करे जिसकी भला वाचना, जो पूजा ना करे जिसकी भी भला वाचना, ये जितने जीवधारी हैं जिनको ये कठिन साधन है, जिनके पाने के निमित्त ये कठिन साधन क्या है, सो तू देखने का नहीं, देखकर क्या सुख पावे, बचनों को कर इसकी महिमा कहीं नहीं जाती, सो जिव्या किस गुरु को पाकर सुख पावे, मन का चितवन का नहीं, मन किस स्वरूप को छिपवाए, इससे जितने ध्येय आ रही हैं जिनको अव्यक्त की उपासना में कष्ट है, हे अर्जुन मेरे कमल नयन तो जो उपासक है, जिनकी बात सुन, मैं जो देवकी नंदन यशोदा नंदन नंद का नंद परम सुंदर आनंद का समुद्र हूँ, जो मेरे इस रूप के उपासक हैं और मेरी शरण में आए हैं, जिन्होंने सब कर्म मुझमें समर्पित हैं, कैसे ये घर जो है मेरा तेरा है, ये घर जो है तेरा है, हे भगवान तेरा मैं दास हूँ, दास भाव होकर मेरे शीत प्रसाद जानकर आते हैं, हर समय मेरा ही ध्यान मेरा ही स्मरण, हे गोविंद जी विष्णु पदे गाना, मेरा कीर्तन करना, इस प्रकार आनंद होकर मेरा भजन मेरी उपासना करते हैं, उनके साथ में कैसा हूँ सो सुन। ये संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, इससे उद्धार करता हूँ, तत्काल ही मुक्त करता हूँ, फिर पुरुषों ने मेरे मन का निश्चल जेता रखा है, हे अर्जुन मेरे उपासक जो सेवक हैं, जिनको ये साधन करने योग्य हैं, पहले तो मन को निश्चल जेता मेरे में रखना
और बुद्धि भी मेरे में रखना है, ये दोनों साधन मेरे भक्तों को करने योग्य हैं। इससे और कोई मेरे जाने का साधन नहीं है, इससे अधिक मेरे भक्तों की भक्ति करना सही नहीं। हे अर्जुन, मन का निश्चल चेता मुझ में लगा, उससे बाकी करना कुछ नहीं रहा, तू प्रताप हुआ, मेरे को त्याग के मन किसी और बात को जपे, तब बुद्धि द्वारा मन को रोक, मेरे में निश्चय कर, इसका नाम अभ्यास है। हे अर्जुन, जो तेरे से अभ्यास योग किया ना जाए और मन में मेरा ध्यान ना लगे, तो प्रातकाल से लेकर रात्रि शयन उठन मेरी पूजा करे, जब मेरे अर्थ मेरी पूजा करेगा तब तू संसार से मुक्त होवेगा। जो पूजा भी ना कर सके तो दोनों हाथ जोड़ के मेरे चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से ये कहे, हे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तेरी शरण में हूँ, जब इस प्रकार मेरी शरण आवेगा और मन मेरे चरणों का निश्चल कर रखेगा। हे अर्जुन, मन का निश्चल चेता मेरे को रा, ये मार्ग बहुत कल्याण का है, इसे अभ्यास योग कहते हैं, इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, कौन ज्ञान मेरी महिमा का जो कहना सुनना और ज्ञान से मेरे ध्यान साथ जुड़ना श्रेष्ठ है, मतलब इसको सुनना और ज्ञान के साथ मेरे ध्यान से जुड़ना भी है। जब मेरे ध्यान के साथ जुड़ता है तब सभी कर्मों के फल त्यागे जाते हैं, क्योंकि मेरा जो भक्त होता है वह सत स्वरूप है, और जो कोई मेरा भक्त सत पद को पावे है, इसके लक्षण सुन, किसी भूत प्राणी का बुरा ना मनावे, सबका मित्र होए रहे, अहंकार ममता से रहित होकर कहे कि कुछ मेरा है ना मैं कुछ हूँ, सब परमेश्वर का है, दुख सुख में एक सा है, क्षमावंत सदा संतुष्ट प्रसन्न निरवन मेरे साथ जुड़ा हुआ, संसार के विषयों से आत्मा जात रखे, मेरे साथ दृढ़ निश्चय चेता रखे, बुद्धि का भी मेरे में दृढ़ करना, और मेरे इस प्रकार मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं सो भी मेरे को पा लेते हैं, फिर किसी से डरता नहीं, भली बुरी वस्तु पाने से हर शोक नहीं करते, ऐसा जो मुक्त रूप है सो मुझको प्यारा है, फिर कैसा है जिसको किसी वस्तु की वांछा नहीं, और देख को जल मूर्तिका से पवित्र रखे, अंतकाल मेरे भजन से पवित्र रखे, उज्जवल मति से मुझे अविनाशी पहचानना, संसार के लोगों से उदास रहे सदा सुखी, जिसने सब कार्य संसार के जो हैं उनका प्रारंभ त्याग दिया, जो मुझे प्यारा है फिर कैसा है, गई वस्तु की चिंता नहीं और मिली वस्तु की वांछा नहीं करता, और संसार के भले बुरे को त्याग दिया है, मेरे चरणों के साथ पीती है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है फिर कैसा है, सतु मित्र इसको एक समान है, आदर नादर में एक सा, शीत भूषण दुख सुख में एक रस है, दूसरे के संग ना करे निर्बंधन रहे, फिर स्तुति निंदा किए से एक सा है, मेरे बिना बिना जिभ्या से कुछ नहीं बोले, हर प्रकार संतुष्ट रहे, घर बनाने का आरंभ ना करे, बनी हुई जगह पर बैठकर भजन करे, संसार की तरफ से उदास रहे, मेरे चरणों को दृढ़ निश्चय हो, मेरे साथ ही प्रीति करे, ऐसा जो प्राणी है सो मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, ये साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं, इन साधनों का नाम अमृत धर्म है, जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, तैसे ही यह अखंड ब्रह्म रूप मेरा है, ऐसे ही अमृत रूपी साधन अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं ऐसे ही अमृत रूपी साधन अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। दुआ, श्रद्धा से जो भजे मम सुने सो मम उपदेश, धर्म अमृत का पान करे वह प्रिय भगत नरेश, सो परम श्रद्धा से जो इन धर्मों की उपासना करे सो भक्तों को मेरा प्यारा है। इति श्रीमद्भागवत सुब्रह्म योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भक्ति योगे नाम द्वादश अध्याय।